हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुकी टीवी। मैं रिपुता अपने चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। मैं पोटैटो फ्राइज की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत झटपट बन जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये वाले फ्राइज बनाने में और बिना उबाले ही बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये फ्राइज और बहुत जल्दी और बहुत कम मसाले के साथ ये बन जाते हैं। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़े साइज के 3 आलू लिए हैं और ये आलू पहले छील लिया है इनको और बिल्कुल धो लिया है। इसे हम बाद में नहीं धोएंगे, अभी हमने इसे धोकर बिल्कुल साफ कर लिया है। अब हम इसको काटेंगे फ्राइज की शेप में। ये बड़ा आलू है इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पीस में इसे काटा है और लंबाई में इन आलूओं को फ्रेंच फ्राइज की तरह से हम कट कर लेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत ही इजीली बन जाते हैं बिल्कुल बिना उबाले और झटपट 5 से 10 मिनट में ये पोटैटो फ्राइज तैयार हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से हम सभी आलूओं को लंबाई में काट लेंगे। ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होने चाहिए। इस तरह से ध्यान से, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज होते हैं मार्केट के, बिल्कुल इसी तरह से हम इन्हें कट कर लेंगे। ये सारे आलू हमने काट लिए हैं बिल्कुल पोटैटो फ्राइज के लिए, जैसे कि मार्केट के फ्रेंच फ्राइज होते हैं इसी तरह से इन्हें कट कर लेंगे। और इन्हें ध्यान रखें हमें गीला नहीं करना है बिल्कुल भी, और हमने इन्हें पहले ही धो लिया था इसीलिए अब हमने इन्हें धोया नहीं है आलूओं को। इसी तरह से हम इन्हें एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ये बिल्कुल सूखे होने चाहिए इस समय पर और इसमें हम 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। आप इसकी जगह अरारोट पाउडर, राइस का आटा, जो ये भी मिला सकते हैं, कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट भी बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये है रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका केवल फ्लेवर और कलर आएगा, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, बहुत हल्का सा स्पाइस रहेगा इसमें। 1 चम्मच डाला है हमने यहाँ पर और साथ ही लिया है नमक 1/2 चम्मच, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन्हें सभी को मिक्स कर लेंगे या फिर इस तरह से आप इन्हें मिक्स करें, बहुत ही इजी है मिक्स करना। बहुत अच्छे से सभी मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल पानी नहीं डालना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जब हम आलू में नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, उसी पानी से इसमें सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे। आप इसमें कोई और मसाले ऐड करना चाहें, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर या कोई हर्ब्स, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ, केवल मिर्ची वाले। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए सभी मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल पानी नहीं डाला है और मसाला इसमें आलूओं में चिपक गया है। इसी तरह से हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है जो कि हमें हाई फ्लेम पर चाहिए, और इन्हें सभी को मिक्स करने के बाद ही, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे और बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए ऑयल तेज गरम हो गया है और अब हम इन्हें एक एक करके सभी आलूओं को ऑयल में छोड़ देंगे। और जिस समय हम आलू को फर्स्ट टाइम डालेंगे तो उस समय ऑयल बहुत तेज गरम होना चाहिए, और 1 मिनट आलू सिकने के बाद जब एक तरफ से सिक जाते हैं तो हम इन्हें पलटेंगे और फिर इसमें गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देंगे। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। आप देख सकते हैं एक तरफ से हल्का सा सिक गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेते हैं और गैस का फ्लेम हम इस समय पर मीडियम कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे ये, बहुत ही करारे होंगे। आप देख सकते हैं इसमें रेड कलर आ रहा है, बहुत स्पाइसी नहीं है लेकिन इसमें कलर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये शाम की चाय के समय या बच्चों की हल्की फुल्की भूख में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्प हो गए हैं अब इस समय पर। हम इन्हें 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इनका कितना अच्छा कलर है।
अब हम इन्हें ऑयल निकाल कर इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्प है ये इस समय में, बहुत अच्छे फ्लेवर है। इसी तरह से आप सारे आलू इसमें फ्राई कर लें, और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं ये। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप इन्हें सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या चिली सॉस के साथ, किसी भी सॉस से आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।